एक ऐसे पिछड़े जनपद के विधायक को, विधायक की भावनाओं को, विधायक की मनसा को और विधायक के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है उसको उन्होंने जाना परखा। क्योंकि मैं कई बार माननीय मुख्यमंत्री और माननीय गृह सचिव को मैं लिख कर दे चुका हूं कि हमारे जान को बहुत ज्यादा खतरा है। बाराबंकी में एक 6-7 साल पहले मैंने एक जमीन खरीदा था, वहां के श्री धर्मेंद्र सिंह, श्री राघवेंद्र सिंह ने 14.5 लाख रुपए, जिसको मैंने चेक के माध्यम से उनको दिया था और बेईमानी कर लिया, उन्होंने अपने खाते में ट्रांसफर तो करा लिया लेकिन हमको जमीन नहीं दिया। कई बार वो धमकी दे चुके हैं। और जिस पर मैंने विधानसभा में 3 तारीख को, 3 अक्टूबर 2019 को खनन माफियाओं के ऊपर विधानसभा में आवाज उठाई थी, वो हमारे भिंगा जनपद श्रावस्ती के तमाम खनन माफियाओं ने हमको धमकी दी, हमारे परिवार को उड़ा देने की धमकी दी। ऐसे स्थिति में मैंने 4 या 5 लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी को और गृह सचिव जी को मैंने अपने लेटर पैड पर लिख करके दिया। जब मैं 21 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला कालिदास मार्ग पर, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा था कि आपने सभी लोगों को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है और आज तक आपने हमको नहीं दिया है। लेकिन जब मैं लखनऊ कल आया तो मुझे पता चला कि X कैटेगरी की सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। और मैं पुनः उनको और उनके जितने भी विभाग और स्टाफ के लोग हैं, चाहे वो प्रमुख सचिव हों या प्रमुख सचिव गृह हों या अन्य कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सबको आपके चैनल के माध्यम से, खासतौर से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं, उनका आभारी हूं कि उन्होंने हमको, बल्कि असलम रायनी को नहीं बल्कि आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 403 के वो पिता हैं, गार्जियन हैं, सरपरस्त हैं और सभी की भावनाओं को वो समझते हैं और खासतौर से मुझको देकर के एक्स कैटेगरी की सुरक्षा, वो उन्होंने एक प्रदेश में एक अच्छा संदेश दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी केवल हिंदू ही के नेता नहीं है बल्कि वो हिंदू मुस्लिम और सर्व समाज के नेता हैं। और एक अच्छा संदेश जाएगा, लेकिन एक्स कैटेगरी की जो मुझे सुरक्षा प्रदान की गई है वो बहुत कम है। सभी लोगों को वाई और Y+ दिया है लेकिन हमको उन्होंने अगर X दिया है तभी मैं संतुष्ट हूं, तभी मैं संतुष्ट हूं। और आपके चैनल के माध्यम से इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो मेरे ऊपर खतरा मंडरा रहा है उस पर ये कि खुशी की आंख में आंसू की भी जगह रखना और बुरे वक्त कभी पूछ कर नहीं आते। जय हिंद।